जलन पड़ रही और तुम कह के नहीं पड़ रही आ रही खुशबू नाक में सहन नहीं होगा इतनी तेज गंध तो वो छोड़ रहा हूँ यार तेज बात है मतलब तेज बात है आ रही खुशबू आ रही तो आना बात को यार वो बगैर वाके दे रहा हूँ चूना तुम्हारा बेगर चूना को एक बार डीएपी लेके और देखे आ जा तुम्हारा चूना गलत है भाई जब डीएपी ओरिजिनल है जो मैं मानूंगा सीप वाला चूना होना सीप वाला चूना है तुम्हारा वो वाला होना जो वालों देखना है नहीं एक बार लो दूसरा वाला लो भाई डीएपी तो ओरिजिनल है जा बात को मैं मान नहीं सकूँ बोल हाँ मगर चूना के साथ बास नहीं दे रहा वो वैसे ही मस्क जी वैसे ही मस्के देख रहे हैं तवा वालों को देख दो ही हाथ से मस्क हाँ। वो तवा वालों का ऐसे तो पसीज जाएगा हाँ तो बीजेपी मतलब पसीजन वालों आइटम अपन वो तवा वालों करके देख लेंगे मगर आज जो प्रैक्टिकल जरूर करके देखेंगे डीएम वहां से ज्यादा तीक्ष्ण गंध तो वो ऐसे में दे रहा हूँ बेकार चूना वाले ये सारे के सारे प्रैक्टिकल ये चूने वाला और तवे पर गर्म करने वाला ये प्रैक्टिकल मैंने गूगल पर पढ़े हुए हैं और न्यूज़पेपर में भी पढ़े हुए हैं इसलिए ये जो मेरा डीएपी पिघल चुका है आप आने वाले वीडियो में देखेंगे इसको मैं अभी भी नकली मानने से इनकार कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास दो चीज थी एक तो यहाँ पर डीएपी की थी और एक यहाँ पर पोटास था तो पोटास के दाने तो मैंने जब से डाले हैं तब से पोटास के दानों का कुछ हुआ ही नहीं है और ये जो मैंने डीएपी डाला है वो डाल देता हूँ मैं पूरा ही डाल देता हूँ ये जो मैंने डीएपी डाला है इस डीएपी का क्या हुआ है ये पोटास के दाने फूट रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं चट्ट 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 करके तेज आंच पर और डाल देते हैं हम पोटास के दाने ये फूट के मुझे लग नहीं जाए क्योंकि पोटास है वहां से चल के ये फूट रहे हैं तो मैं ये बताना चाह रहा था कि डीएपी को जब हम तेज आंच पर डालते हैं तो डीएपी फूलने लगती है और यहाँ पर डीएपी तेज आंच पर डालने में फूली नहीं है ये पिघली है ठीक है ये वाली डीएपी ये पूरी पिघल गई है तेज आंच में ये तो बिल्कुल और पिघल गई है और ये जो पोटास था ये पोटास जो है ये कुछ दाने इसमें से फूटे हैं बाकी का ये पोटास भी ज्यों का त्यों रखा हुआ है बल्कि पोटास जो है वो भी ज्वलनशील होता है अगर पोटास सही होना था तो पोटास को भी फूटना था अब हो सकता है ये ऑर्गेनिक पोटास है इसलिए नहीं फूट रहा पर ये डीएपी तो भैया पिघली है इसमें कुछ नहीं हुआ है बल्कि इसको फूलना था इसके दाने डीएपी के पिघलना नहीं था और कुछ दाने ऐसे हैं डीएपी के ये पिघल के पूरी देखो पूरी खत्म हो जाएगी ये इसको अपन तब तक तपाएंगे ये क्या होता है जो एनपीके होता है एनपीके 12-32-16 ये क्या है जब इसको हम तेज आंच में रखते हैं तो ये एनपीके उड़ जाता है और एनपीके पिघल भी जाता है काय में तेज आंच में और अगर हम एनपीके को पानी में घोलते हैं तो ये पानी को एकदम ठंडा कर देता है तो ये जो मैंने डीएपी डाली है तेज आंच वाली ये डीएपी फूली नहीं है पिघल गई है इसका मतलब ये है कि कंपनी ने हमें
डीएपी नहीं दिया, एनपीके दिया। देखो डालने के बाद में किस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है इसमें, देखिए सारे दाने हिल रहे हैं भाई, ध्यान से देखना जो फूलते हुए दिख रहे कि नहीं है। ये देखो हटा, हाथ तो हटा, लग रहा है तो देखो निशान बन गया, देख लो भैया ये पिघल रहे हैं। और वो वाली एक पन्नी उठा ना तेरे बगल में पड़ी है, ये वाली रुक जा, जे आग ही जला, हाँ खोल उसको जब तक मैं जे आग ही जला रहा हूँ, डाल, हाँ पूरी डाल दे खाली जगह में, जी खाली जगह में डाल दी। ये भैया ये ब्लैक कलर का जो है ये वो इम्पोर्टेंट कंपनी का डीएपी है ये। अब ये अपन इम्पोर्टेंट कंपनी के डीएपी को और देख लेते हैं क्या होता है इसमें, वो जैविक लग रहा है। ये देखो क्या बढ़िया, मेरे को तो ये जो वाइब्रेशन होता है ये देखने में मजा आता है। ये देखो ना जे प्लग गया जे, अरे मगर ये गंध तो छोड़ रहा है यार, ये गंध छोड़ रहा है ना, बहुत तीक्ष्ण गंध छोड़ रहा है ये भी पिघलने लगा है। तो भैया यहाँ पे जो ये इम्पोर्टेंट कंपनी का डीएपी है ये भी एकदम पिघल चुका है और पिघल के डम्बल बन चुका है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो नेट है ये नेट सही बता रहा है कि डीएपी फूटता है डालने से कि क्या है ये, अब इसका पता लगाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से कि हमने डीएपी की जगह डीएपी लाए हैं या कंपनी ने हमें एनपीके पकड़ा दिया। पर एनपीके तो डीएपी से भी महंगा आता है, एनपीके पकड़ा दिया तो अच्छी बात है, और अगर इसमें एसएसपी होता तो एसएसपी का कुछ होता ही नहीं, एसएसपी होता तो एसएसपी यूं ही पड़ा रहता जैसे कि ये पड़ा हुआ है अपना पोटास, पर इसको डालने से ये फूटता है, मेरे को ये बहुत मजा आ रहा है। देखना भाई ये पट पूरे नहीं फूटेंगे, जितने ओरिजिनल रहेंगे उतने ही पट 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 करेंगे बस, आँख में नहीं पड़ जाए। कहाँ गए थे यार तुम भैया, ये डीएपी नहीं है ये एनपीके है, एनपीके खटकता है डीएपी फूलता है, ये अपना डीएपी नकली है। हाँ और वो जो फूट रहा है वो अपना पोटास है, नहीं तो अपन ने वीडियो तो बना लिया, वो तो एनपीके डालो डीएपी डालो पोटाश डालो कान पकड़ना है, क्या होता है फूटता है। हाँ यार पढ़ना है यार उसमें, अच्छा हर कुछ वीडियो बनाता डीएपी का तो जलाने का ही थे वर्णन ही नहीं है। हाँ तो पढ़ तो उसमें ठीक है, डीएपी डीएपी ओरिजिनल डीएपी की पहचान कैसे करें, ऐसा पढ़ो उस पे। अभी भी हम तो सोच रहे थे पाइप पाइप दो ही करेगा कि एक कहीं पाइप आ जाएगी, उठा ला तो आ जाएगी। अब ये जो है ये सभी भाइयों में चर्चा का विषय बन चुका है, पाइप उठा ला चलो सर, और बोनी तो हमने आधी सी कर ही दी है, कुछ कर नहीं सकते, जो है उसी से बो देते हैं चुपचाप। तो भाइयों मेरे पास रखा हुआ है आईपीएल का डीएपी और बोनी भी लगभग आधी सी हो चुकी है। अब इसमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो प्रैक्टिकल किया है पिघलाने वाला और तंबाकू वाला, क्योंकि गूगल पे जहाँ भी मैंने पढ़ा है जिस किसी भी समाचार पत्र में पढ़ा है उसमें असली नकली एनपीके और डीएपी का फर्क देखने का अंदाज यही था, जिसमें मेरा जो डीएपी है ये पिघल चुका है एनपीके की तरह। हालांकि एनपीके जो है वह डीएपी से महंगा ही है या डीएपी के लगभग में ही है, दिक्कत नहीं है, पर अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि और पुख्ता जानकारी के लिए मैं क्या करूं। गेहूं जो बोया है वो भी अच्छा उगा है अभी तक, फिलहाल की कंडीशन में गेहूं में भी कोई दिक्कत समझ में नहीं आई है, और मेरा काम था प्रैक्टिकल करना तो प्रैक्टिकल जैसा लिखा था वो मैंने करके देख लिया है, आपको भी बता दिया है, और इतना टाइम तो नहीं है कि अपन इसमें आगे बढ़ें, इसकी खोज भी इनमें और आगे जाके देखें कि अगर डीएपी नकली है तो उसके लिए क्या किया जाए। पर आपको क्या लगता है डीएपी नकली है या डीएपी असली है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका जो आगे का रास्ता है वह भी सुझाएं। जय राम जी की।